बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे लिए ताली बजाई, हालांकि ये आपका पेशा नहीं है, फिर भी आपने ताली बजाई। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शादी के बारे में आज आपसे कुछ गुफ्तगू करूंगा, कुछ बातचीत करूंगा कि क्या हुआ उस शादी में, क्या हुआ। मीडिया ने बड़ी हाइप दे दी शादी को, ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन की शादी को। ऐसा लग रहा था हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो रहा, केवल दोनों की शादी हो रही है। लेकिन अंदर की बात मैं आपको बताता हूँ कि अंदर क्या माहौल था। स्टेज पे जैसे दूल्हा दुल्हन बैठते हैं तो दोनों दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं, अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय, तो मेहमान मुबारकबाद देते हैं। एक मुबारकबाद का दौर चलता है स्टेज पे जा जाके, सब लोग जो आते हैं। तो आप सबसे पहले मुबारकबाद देने के लिए पहुंच गए स्टेज पे राजपाल यादव। इतनी सी हाइट है उनकी, राजपाल भाई मुबारकबाद दे रहे हैं अपने हिसाब से अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय को। अभिषेक भैया, तुमने शादी कर ली, तुम्हारी कसम हमको इतनी ज्यादा खुशी हो रही तुम्हारी शादी की, हमने डांस कर करके बैंड तोड़ दिया। हमारी तरफ से मुबारकबाद फूल रख लो और इसकी कुंडली से बच के रहना, इसकी कुंडली में शनि का योग है, तभी तो समीर ने इसको छोड़ा था। आगे और मेहमान लाइनअप में, नाना पाटेकर अपने अंदाज में मुबारकबाद देने के लिए। अच्छा है, बस बस खैर, मुबारकबाद देने दे। बहुत अच्छा है, कमाल की शादी की है। मेरी तरफ से भी मुबारकबाद के फूल रख ले। मेरे सामने इतना छोटा सा था तू, निक्कर में खेलता था, आज तेरी शादी है। बाकी कमाल की चॉइस है तेरी। खैर, एक आदमी की चॉइस गलत हो सकती है, दो आदमी की चॉइस गलत हो सकती है, तीन आदमी की चॉइस गलत नहीं हो सकती। तीन आदमी की चॉइस है ही, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन। अच्छा, इसके बाद लाइनअप में सारे लोग आते जा रहे हैं। आमिर खान, आमिर खान। और ये क्या बात कर रहा है? अरे साला, मेरी मान किसी को मत बोल। अरे शादी मरा डाला, अरे सेटल हो गए साला। और एक तरफ से शादी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, पहली बार सेटल होने के लिए। भगवान करे तू जल्दी दूसरी बार सेटल हो जाए। अपन को देख, अपन तीसरी बार सेटल होने की सोच रहा। तो इसके बाद आगे और एक्टर आते गए, इरफान खान की कैटेगरी, अपने अंदाज में मुबारकबाद। देखो, हमारी तरफ से भी मुबारकबाद फूल रख लो। आई विश यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। अब एक काम करो, देखो शादी तो हो ही गई है, शादी तो हो ही गई है, अब बस छोटे रिचार्ज की तैयारी करो। इसके बाद पहुंचे अजय देवगन, पूरा मुबारकबाद देने के लिए स्टेज पे चढ़े। देखिए किस तरह से की शादी है बच्चन साहब। मेरी तरफ से भी मुबारकबाद के फूल रख लो। मालकी आज मेरी सही होती, सही लाइटें, सही टेंट, सही स्टेज, सही दुल्हन, नहीं कुछ नहीं, शादी मुबारक हो। अरे तो मुबारकबाद का दौर है, चलता रहता है, लेकिन हिंदुस्तान में शादी हो और कोई रूठे ना, कुंगा ना, हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में स्टार लोग शादी, उसमें कोई ना कोई तो रूठना था, तो रस्म आएगी हमारी। तो इधर देखो, खाने के पंडाल में नाना पाटेकर सनक गए, पता नहीं क्या हो गया, बुरी तरह से चिल्ला रहे हैं, बच्चन साहब 2 मिनट था, बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है मेरी, जलील किया है मुझे आपने बुला के, स्वागत नहीं कर सकते, क्यों बुलाया था, क्यों भिजवाया था कट पास। बच्चों सब आए भागे हुए टेंशन में, अरे भैया हुआ क्या, देखे नाना भाई यार बैठ जाइए, देखे शांति से, क्या गलती हो गई मुझसे, क्यों सरक रहे हैं आप भैया, मुझसे कौन सी गलती। ये आपका 2 कौड़ी का नौकर, जब मैंने इससे सफेद रसगुल्ला मांगा, बोलता नहीं मिल सकता। मोच सफेद रसगुल्ला, और बदतमीज जाके ले गया, अगर ये सड़क गए तो लड़के के फेरे नहीं हो पाएंगे, जल्दी जल्दी लेके।
अमिताभ सारे लोगों को समझा रहे हैं कि इन्हें समझाएं। अरे राजपाल अजय आमिर इन्हें थोड़ा समझाइए, नाना भाई थोड़ा सक रहे हैं, मुझे और भी काम है करता हूँ। तो सारे लोगों ने समझा रहे हैं, अरे नाना भाई क्या कर रहे हैं आप, अरे इतनी छोटी सी बात, अरे एक रसगुल्ला मैं भी मंगवाता हूँ आपके लिए, रसगुल्ला ये बेटर कराओ, एक सफेद रसगुल्ला ताजा रस भरा अभी लेकर नाना भाई के लिए अभी। सर वो तो खत्म हो गया। अरे क्या बात कर रहा है, बच्चन साहब ने खाली टेबल पे खर्चा किया, खाने पे नहीं, क्या ले अभी ले क्या? ए नहीं मिल सकता, मैं निकलता हूँ, आमिर छोड़ना उसको। अरे कैसी बात कर रहे हैं नाना भाई, इतनी छोटी सी बात, अरे मैं खुद जाके ले गया आपके लिए, दो मिनट रुकिए मैं अभी गया और अभी। अरे भैया कहीं नहीं मिलेगा सफेद रसगुल्ला, पार्टी में फिनिश है, मानो या न मानो। बोले तेरे को कैसे मालूम, मैं खुद आधे घंटे भी चक्कर में घूम रहा भैया। आधे घंटे से घूमो चाहे एक घंटे से, तुम्हारी ऐसी तैसी करना के पटक देंगे नाना भैया के लिए, नाना भैया की रसगुल्ला लाके कहीं से लाएंगे हम लेके। अरे लेकिन कहां से लाया, खत्म हो चुका है। अरे काले रसगुल्ले सफेद पेंट कर लाएंगे, चुप रहो। चुप कर साले, खाली चीज को सफेद कर देने से उसका टेस्ट थोड़ी बदल जाएगा। अरे हमसे कहे होते ठारा भाई की प्लेट भर देते रसगुल्ले से, जान भी दे सकते हैं आप नाना भाई के लिए। बोले जानमान बाद में देना, पहले तेरी थाली में रसगुल्ला उनको दे दे। नहीं रसगुल्ला नहीं दे सकते। साले तू तो जान दे सकता, देना रसगुल्ला देता क्यों नहीं है। तू रात बड़ी मुश्किल से मारा दूसरे की थाली से। अब राजपाल राजपाल भाई को आइडिया आ गया। बोले फिर एक काम कर, दूसरी थाली से एक दो और मार के ले जा। थोड़ा रुको थोड़ा रुको, साले अपने लिए लिया है झट से उनके लिए रुको, जाना जाता क्यों नहीं है। थोड़ा रुको साले, अपनी औकात दिखा दी, जाना लेके आना, लाइट तो जाने दे बे। अब 10-20 मिनट हो गए, 20 मिनट से ऊपर हो गए, बच्चों साहब ने खबर नहीं ली, नाना भाई फिर सनक गई। बच्चन साहब 20 मिनट से ऊपर हो गया, अभी तक कोई खबर नहीं ली, मैं यहाँ ये प्लेट लेके इतनी देर से घूम रहा हूँ बेवकूफों की तरह, मैं बिल्कुल नहीं रोक सकता, निकलता हूँ तो। अरे नहीं नाना भाई, अरे भैया इन्हें कोई रोके ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं भैया। देखिए नाना भाई अब थोड़ा साइड में आइए, थोड़ा चीनी कम पड़ गई इसलिए रसगुल्ला खत्म हो गया। मैं आपसे विनती करता हूँ आप दूसरी मिठाइयाँ खा लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए अब आराम से नाना भाई दूसरी मिठाइयाँ खाने लगे, दूसरे पांडाल में घूम शांत हो गए अच्छे खासा, उनका गुस्सा भी ठंडा हो गया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 5 मिनट के बाद डबल गुस्से के साथ सुन के, बच्चन साहब ठोकर मारता हूँ मैं ऐसी पार्टी पर, ऐसी पार्टी में जाना पसंद नहीं करता, ये तो बेइज्जती पर बेइज्जती किया बच्चन साहब आपने। अरे लेकिन हुआ क्या भैया, मैंने अभी अभी अमर सिंह की थाली में एक सफेद रसगुल्ला देखा। अमर सिंह जी की थाली में क्या देखा रसगुल्ला, मैं आपसे थोड़ी मोहलत मांगता हूँ कुछ, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं कहीं से भी लाऊंगा आपके लिए रसगुल्ला लेकर आऊंगा। ठीक है बच्चन साहब, लेकिन 5 मिनट अगर छठवां मिनट हुआ तो आपके लड़के के फेरे नहीं हो पाएंगे। हाँ पक्का, मैं अभी गया और अभी आया। बच्चन साहब भागे हो गए, भागे हुए आए टेंशन में। अरे भैया लीजिए आपका सफेद रसगुल्ला, बड़ी मुश्किल से ढूंढ करके लाया हूँ। अब नाना भाई को रसगुल्ला मिल गया। अच्छा 5 मिनट पहले लाते इतना हंगामा नहीं होता। अच्छा नाना भाई ने चखा। बच्चन साहब जलील करके रख दिया आपने तो, एक एक का गलत चीर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, इतनी बड़ी बेइज्जती तो मेरी आज तक कहीं नहीं हुई, आज के बाद मेरे आपके रिश्ते बिल्कुल खत्म। अरे लेकिन तुमको लाके दे तो दिया सफेद रसगुल्ला। चुप कर साले, दही बड़ा देखे चला गया।